Hello students, welcome to BPRC in online class H. I am Arjun Sam, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and study continue on your regular basis. So the students, I will teach you a new topic which is called Supplementary Movements, lesson number 2, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आज आपका सप्लीमेंट्री का टर्न है, जिसमें आज आपको लेसन नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो स्टडी कराया जाएगा। आज ये जो आपका स्टोरीज है, आज इसमें सबसे पहले आपको समरी का स्टडी कराया जाएगा। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, किसी भी कहानी का अगर हम संक्षेप में वर्णन करना हो तो उसे हम लोग सारांश, इंग्लिश में समरी बोला जाता है। जो समरी होता है वो किसी भी कहानी का वो प्रारूप होता है, जिसमें हम संपूर्ण स्टोरीज को इन शॉर्ट स्टडी करते हैं। जैसा कि अगर हम स्टोरीज को शुरुआत करें, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, सबसे पहले आज हम आपको पहले संक्षेप में समरी बताएंगे, उसके बाद पूरी कहानी का हिंदी स्टडी कराएंगे। तो पहले चलते हैं आज समरी की ओर, जिसमें आज आपको ये स्टडी करना है। तो बच्चों चलते हैं समरी में। जैसे कि ये है कहानी जो द एडवेंचरस ऑफ टोटो। एडवेंचरस की बात करें तो इसका मतलब होता है साहस या साहसी या बहादुर। टोटो, जो टोटो होता है, यहां पर एक मंकी होता है। मंकी मतलब समझते हैं ना, बंदर। तो एक साहसी बंदर की यहां पे कहानी होती है, तो आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। रस्किन बॉन्ड का जो ये लेसन है द एडवेंचर ऑफ टोटो, यह पूरी तरीके से कॉमेडी से भरपूर है। जो लेखक होते हैं इस कहानी में, एक टांगे वाले से एक दादाजी एक बच्चा खरीदते हैं, बंदर का एक बच्चा खरीदते हैं। दादाजी जी होते हैं इस कहानी में, जो उनकी बात की गई है, दादाजी जो एनिमल्स हों या बर्ड्स हों या कह लीजिए कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बहुत सारे जो ऐसे जानवर जो पालतू होते हैं, उन्होंने दादाजी को इतना शौक था उन जानवरों को, पक्षियों को पालने का, उन्होंने अपने घर के पास में एक स्वयं छोटा सा चिड़ियाघर बना लिया था, जिसमें सारे प्रकार के पालतू जानवरों को रखा जाता था, क्योंकि उन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था। तो जैसा कि लेखक ने यहाँ पे बताया कि दादाजी ने देखा कि एक टांगा मैन जा रहा है, उसके पास एक बंदर का बच्चा है, बेबी है। तो वो देख करके बंदर के बच्चे को दादाजी वेरी अट्रैक्टेड होते हैं, उन्होंने उस बंदर के बच्चे को खरीदने का फैसला कर लेते हैं। उन्होंने टांगे वाले मैन से उस बच्चे को खरीद लेते हैं, बंदर के बच्चे, जिसका नाम उन्होंने टोटो रखा। बंदर के बच्चे को उन्होंने नाम क्या रखा? टोटो। टोटो रखा। टोटो जो बंदर का बच्चा जानते हैं, अपने बहुत शरारती होते हैं, जैसे हम लोग बच्चा बचपन में होते हैं शरारती ना, उससे ज्यादा कई गुना बंदर के बच्चे शरारती होते हैं। और टोटो बहुत ही शरारती था, उसको दीवार में एक अलमारी से कील में बांध कर रखा गया ताकि शरारती ना करे, क्योंकि वो जहां पर जानवरों के बीच में रखा जाता उसे, तो जानवरों को शरारत करता, उन्हें परेशान करता, रात भर सोने न देता, खुद न सोता न किसी को सोने देता, खूब परेशान करता बच्चों को, अन्य जानवरों को, जो भी पक्षी हो सबको परेशान करता। तो जैसे ही उस कील से बांध कर उसे जू में रखा जाता है, टोटो को, टोटो क्या है, मंकी को, तो वो क्या करता है, वो वार्डन करता लेखक का एक ब्लेजर फाड़ देता है
और दीवारों पर जितने भी पेपर लगे होते चिपकाए होते हैं उन्हें सब फाड़ देता है, इन्हें अलग अलग कर देता है। फिर इसे टोटो को नौकरों के एक बड़े पिंजरे में बंद करके रख दिया जाता है। वह वहां किसी को भी सोने नहीं देता है, यानी खूब परेशान करता है बंदर का बच्चा छोटा सा टोटो। फिर दादाजी ने सहारनपुर रेलगाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। इसके बाद में निकासी द्वार से वह बंदर को अपने बोरे में से झांकने लगता है, जैसे देखता है बाहर। दादाजी को बंदर लाने का चार्ज देना पड़ा, जैसे कुत्ते का देना होता है। यानी जैसे निकासी से गेट से निकलते हैं रेलवे ट्रेन से, वो जो बंदर का बच्चा इतना शरारती है बोरे से झांक देते हैं। जो रेलवे टीटी मैन होते हैं वो देख लेते हैं। फिर दादाजी को चार्ज देना पड़ता है कि चलिए इसका भी किराया दीजिए आप। इसके बाद घर आकर दादाजी ने उसे एक अलग अस्तबल में रख दिया, स्टेबल में रख दिया, जहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं अन्य जानवर भी। वहाँ उसने एक पालतू गधे के कान खींच लिए, पालतू गधा वहाँ पर बांधा हुआ था, उसके कान खींच लिए उस बंदर ने टोटो ने, जिसका नाम था, गधे का नाम था नाना। बहुत अच्छे नाम रखे गए हैं, गधे का नाम क्या था, नाना। वह गर्म पानी में कूद जाता और तब तक उसमें रहता जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता। एक दिन जब वह कहते थे कि गर्म पानी में कूद गया और उसने अपने आपको जला लिया, तो उसके शरारतों से परेशान होकर दादाजी ने उसको तांगे वाले को वापस बेच दिया, कहा ले जा भैया। यह कहानी पाठक और निकर्ता के साथ प्रसन्न भी करती है और साथ ही नाराज भी। बंदर की उछल कूद वास्तविक भी और स्वाभाविक भी, यानी हम कितने भी हों हमारा जो नेचुरली होता है क्वालिटी जो, उसे हम कहीं पर लीव नहीं कर सकते। तो चलते हैं स्टोरेज में। अब तो समरी हो गया आपका, अब स्टोरेज की ओर चलते हैं। जैसे कि कहानी में आप बताया गया है, दादाजी ने टोटो को, टोटो एक मंकी छोटा बच्चा जैसा हमने बताया, दादाजी ने टोटो को एक तांगा वाले ड्राइवर से 500 रुपये में खरीदा था। तांगा ड्राइवर उस छोटे से वानर को घोड़े की नांद में बांधे रखता था, जहाँ घोड़ा बांधा जाता था वहीं पर उसको जो तांगा वाला आदमी था उसको बांधे रखता था, और वानर वहाँ अटपटा लगता था। बांदर को इस तरह बांधे जाना वहाँ अजीब सफेद होता था। तभी दादाजी डिसाइड करते हैं कि वो छोटे पानी को अपने चिड़ियाघर में रखेंगे, ताकि वह बंदर भी टोटो जो है वह भी वहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक रहे। टोटो सबका लेप्री वानर था, बंदर था, उसकी आंखें चमकीली थी, उसकी भौहें घनी थी और वो सारा से हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता था। उसके दांत जो थे मोतियों के समान थे। वह प्रायः मुस्कुराया करता था, अपने शरारती वाले तत्वों में व्यस्त रहा करता था। उसके उंगलियां बहुत तेज थी, शरारती पूर्ण भरी हुई थी। होता क्या है, जब दादाजी के घर में कोई भी नया पक्षी या पशु लाते थे तो दादाजी सदा आपत्ति रहती थी। अतः यह निर्णय लिया जाता था कि उसको अपने शयन कक्ष की दीवार में एक ऐसे सीक्रेट प्लेस पे रखा जाए जिससे उसकी मनोदशा, मेंटली जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छी रहे। दादाजी और मैंने उसको अपने शयन कक्ष की ओर एक खुले अलमारी में टोटो को रख दिया जाता है, जिससे वहां पर उसे खूंटे के माध्यम से कील में लगा करके बांध दिया जाता है। कुछ घंटे के बाद दादाजी और उनके जब टोटो को देखने के लिए जाते हैं तो देखा कि वह जो पेपर लगे हुए थे वहां पर उनको फाड़ रहा था, और जो प्लास्टर के रूप में पड़ी हुई ईंटें थी वो उनको तोड़ रहा था, दांतों से निकाल रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे कोई चिंता नहीं,
कि कोई डांटेगा हमें फटकारेगा, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि बंदर को क्या समझे, छोटे से बंदर को क्या समझ के वो जो कर रहा है सही है नहीं, जो उसका नेचुरली कार्य है वो तो अपना करेगा ही। तो दादाजी की वो भय से बिल्कुल अज्ञात था, अनजान था, अननोन था। दादाजी ने कहा देखो ये कितना बंदर बुद्धिमान है, यदि उसको कुछ और समय यहाँ पर रहना दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़ों को बांध कर एक रस्सी बना लेगा, यानी व्यंग पूर्ण होकर दादाजी ने ये बात कही और खिड़की से होकर बचकर भाग निकलेगा। इतना बुद्धिमान तर्क दिया उन्होंने दादाजी ने। उसकी उपस्थिति में अब भी घर में गुप्त ही थी, यानी कोई भी नहीं जानता था कि वहां पर टोटो आया हुआ है, बंदर आया हुआ है। उसके बाद होता क्या है, टोटो और नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में रखा गया। जब दादाजी ने देखा कि बहुत शरारत कर रहा है, परेशान कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको एक अलग नौकरों के कमरे में रख दिया जाता है। होता क्या, वहां दादाजी के बहुत से पालतू पशु पक्षी थे जो आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, जिसमें एक कछुआ था, खरगोश का एक जोड़ा बच्चा था, एक पालतू गिलहरी थी, मेरी पसंदीदा दादाजी की जो बकरी भी थी। वहां पर उस बंदर के बच्चे को रख दिया जाता है। होता क्या है, बंदर का बच्चा जो सभी को परेशान करता है और रात भर किसी को सोने नहीं देता है, अतः दादाजी परेशान होकर के देहरादून से सहारनपुर जा करके जो अपनी पेंशन प्राप्त करेंगे, उन्होंने टोटे को ले जाने के साथ फैसला किया कि उसे टोटो को वहां से ले जाना नहीं, सबको परेशान कर रहा देगा, किसी को भी ये सही से रहने नहीं देगा। दुर्भाग्य से दादाजी के साथ मैं उनके साथ नहीं जा सका, पर उन्होंने बाज ने मुझे बतलाया कि टोटो के लिए एक बड़ा सा संदूक बना लिया जाए, तो जिसमें वो रहे ज्यादा बेहतर रहे, जिसमें कुछ खाने के लिए उसके सामान डाल दिया जाता है, जो टोटो का एक नया रहने का स्थान बन जाता है बाद में। कैनवास इतनी मजबूत थी, जो घेरा बनाया गया था पिंजरा टाइप में, इतनी मजबूत थी कि उसे कोई भी काट नहीं सकता था। उसके बाहर निकलने का केवल एक प्रभाव यह होता था कि वह फर्श पर केवल थैला लड़का सकता था। वह यदा कदा कभी हवा में झूम सकता था पिंजरे के अंदर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। टोटो सहारनपुर तक थैले से रहा, थैले के अंदर रहा, पर दादाजी ने रेलवे स्टेशन पर अपना टिकट दिखाने के लिए निकाला, तभी टोटो अचानक अपना सिर थैले से बाहर निकाल लेता है। टिकट कलेक्टर की ओर वह मुस्कान पूर्वक दिखता है, तभी दादाजी को उसका भी किराया देना पड़ जाता है। दादाजी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उसके शरारत से खुश हो जाते हैं। दादाजी को किराया देता है, देना पड़ता है। इसके बाद दादाजी ने अपनी केवल बात को बड़ा बताने के लिए अपनी जेब से कुछ पालतू कछुओं को बाहर निकाला और कहा, मुझे इसके लिए क्या भुगतान करना पड़ेगा, क्या आप पशुओं के भी टिकट लगाते हैं? टिकट कलेक्टर से बात बोलते हैं दादाजी। टिकट कलेक्टर ने निकटता से कछुओं की ओर देखा और अपने उसको अंगुली से पीछे की ओर हटाया। दादाजी को एक प्रसन्न और विशेष दृष्टि से देखा गया, कहा, एक किस्त कोई गिरा नहीं, ये तो कुत्ता है। होता क्या है, टोटो को दादाजी ने वहां पर स्वीकार करते हैं, उसको अस्तबल में रहने की सुविधाजनक जगह दी जाती है बाद में, जहां पर परिवार का एक गधा जिसका नाम नाना था वो वहां पर रहता था। साथ में रहने के लिए टोटो को वहीं पर छोड़ दिया जाता है अस्तबल में। टोटो उस गधे जिसका नाम नाना था उसको बहुत परेशान करता है, उसकी पूंछ खींचता, कभी उसको काटने के लिए दांत निकालता, तरह तरह की शरारतें करता। दादाजी को जब यह बात पता चलती है तो वो ही बहुत गुस्से में आते हैं, आश्चर्य प्रकट भी होते हैं, वह उसे वहां से हटा देते हैं। होता क्या है, बाद में जब ठंडी ऋतु आती है तो टोटो को एक उपहार मिलता है, जिसमें उसको स्नान करने के लिए एक गर्म पानी का बड़ा सा कटोरा दिया जाता है। टोटो वो वहाँ पर
उछल कूद करता उस कटोरे में, मस्ती करता और उस गर्म पानी में तब तक रहता जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। एक बार पानी अति गर्म होता है जिससे वह जल जाता है, वो तुरंत बाहर निकलता है, जिससे दादाजी की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचती है। दादाजी ने उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ने का यहीं पर फैसला करते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसके शरारतें इसके एक दिन जान ले लें और ये खुद मर जाए। तो दादाजी यहाँ पर बहुत सीरियस हो जाते हैं, वे टोटो को छोड़ने का फैसला करते हैं। अंत में उस टोटो को दादाजी पुनः उस तांगे वाले के पास वापस बेच देते हैं। तो यहीं पर कहानी का जो द एंड होता है, लेखक अंत में ये बताना चाहता है किसी का जो नेचर है, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उसमें चेंजेस लाना, बहुत परिवर्तन लाना इम्पॉसिबल बन जाता है। जो हमारा नेचर है हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्य किया करते हैं। जैसा ह्यूमन आदमी है, ह्यूमन है अपने ह्यूमन वाले वर्क करता है सेंसियर रूप में, अगर मंकी है तो वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगा, अगर डंकी है तो वो अपने कार्य करेगा, अगर मान लीजिए स्क्वायरल है तो वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगा। हर किसी का अपना अलग एटीट्यूड से होता है वर्किंग, जो उसके अनुसार किया जाता है। सो द स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से। तब तक कहानी का संक्षेप रूप आपको समझाया गया जिसमें कहानी और सारांश दोनों मिक्स किया गया। आप वीडियोज को एट लास्ट तक देखें और कहानी को समझने का भरपूर प्रयास करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओके, सी यू लेटर।